साल 2009 में आई जेम्स कैमरन की फिल्म अवतार में गोविंदा को भी एक रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने यह रोल करने से इनकार कर दिया था। हालांकि फिल्म का टाइटल गोविंदा का ही दिया हुआ है। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने यह भी कहा कि कैमरन इस बात को लेकर परेशान थे कि फिल्म बनने में 7 साल लगेंगे। बॉडी पेंट नहीं कराना चाहते थे, गोविंदा ने आगे कहा। कैमरन चाहते थे कि मैं उनके साथ 410 दिन तक शूटिंग करूं। मेरे जैसे एक्टर के लिए बॉडी पेंट करवाना मुश्किल था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ करें, लेकिन जैसा उनको बताया था फिल्म सुपरहिट रही। इन फिल्मों को भी ठुकराया। गोविंदा ने इंटरव्यू में बताया कि अवतार के अलावा वे गदर, चांदनी, ताल और देवदास जैसी फिल्मों में मिल रहे रोल भी ठुकरा चुके थे। गदर की कहानी सुनने के बाद गोविंदा ने कहा था कि मैं इतनी गालियां कैसे दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी माँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने की इजाजत नहीं देंगी। चांदनी फिल्म के समय भी वे एक विकलांग का रोल निभाने वाले थे। 2012 में बनी थी गोविंदा की अवतार ब्लॉकबस्टर फिल्म। अवतार की रिलीज के 3 साल बाद गोविंदा ने 2012 में इसी टाइटल से एक और फिल्म की, लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। हालांकि कैमरन अब अवतार का सीक्वल बनाने में जुट गए हैं, जो 2021 में रिलीज होगी। जबकि गोविंदा को पिछली बार प्रजायाज निहलानी की फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था।